रहबरे खेल के अभ्यर्थियों का आज जम्मू के डोगरा चौक में प्रदर्शन चल रहा है और इस समय अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पुलिस जो है इन सभी को यहां पर कन्फाइन करने की कोशिश में है। और फिलहाल आपको मैं एक बार यहां के विजुअल्स दिखा देता हूं कि यहां पे देखिए, यहां पर देखिए जो युवा है वो अब सड़कों पर आए हैं। पुलिस ने यहाँ पर जोर आजमाइश की है, यानी कि शायद हल्का यहाँ पर बल प्रयोग करने की कोशिश की है, लेकिन ये अब यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। देखिए एक महिला है वो यहाँ पर अनकॉन्शियस हुई है और पीछे जो तस्वीरें हैं मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पीछे देखिए यहाँ पर अब आपस में धक्का मुक्की होती हुई ये युवा जो है यहाँ से बाहर आने की कोशिश में है, सड़क को जाम करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस देखिए इन्हें यहाँ से आगे नहीं आने दे रही। और बाहर का अगर आप यहाँ पर इस समय का नज़ारा देखेंगे तो एक महिला जो है वो यहाँ पर शायद अनकॉन्शियस हुई है, उनकी शायद जो तबीयत है वो यहाँ पर बिगड़ी है। हालांकि पुलिस ने तमाम इंतजाम पहले ही कर रखे हैं, ये देखिए गाड़ियाँ जो हैं वो पहले ही यहाँ पर लाई गई हैं ताकि अगर परिस्थिति नियंत्रण से बाहर होती है, स्थिति यहाँ पर अगर बेकाबू होती है तो फिर इन्हें जो है वो गाड़ियों में डालकर यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से लेकर जाया जाए। लेकिन अभी की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो इनका प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रहबरे खेल हों, कश्मीरी पंडित हों, रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हों, ये सभी इन दिनों धरने पर हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर। लेकिन आज यहाँ जम्मू के प्रेस क्लब में देखिए पुलिस के साथ इन रहबर खेल के जो उम्मीदवार हैं इनकी यहाँ पर हाथापाई हुई है, यहाँ पर जोर आजमाइश हुई है। दरअसल ये सड़क पर उतरने की कोशिश में थे और जब पुलिस ने सड़क मार्ग खुलवाने की कोशिश की तो ऐसे में बल यहाँ हल्का बल प्रयोग यहाँ पर करना पड़ा और उसी का देखिए अब यहाँ पर आपने तो गांगी चलाई यहाँ पे, ऐसे तो जानवरों को नहीं मारा जाता जैसे आप हमें मार रहे हो। टीचर है सर, हम तो ये चाहते हैं आपके कांधे पे सर आप पीएचडी बन के रहो, लेकिन आप ऐसे नहीं बनोगे सर। सर हम कल करते हैं इस चीज को कि पुलिस तो हमारे साथ क्यों करते, मीडिया इस चीज का गवाह है, हम पुलिस की इस मारधाड़ का कल करते हैं। वी आर नेशन बिल्डर्स, वी आर सिविल फाइबरलेटर्स, वी आर कंस्ट्रक्टर्स। यहाँ पर ये इस बात से फिलहाल नाराज दिखाई दे रहे हैं कि शायद हल्का जो है वो बल प्रयोग हुआ इन पर, क्योंकि ये सड़क मार्ग को बंद करने की कोशिश में थे। और फिलहाल आप देखिए इनका प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है। देखिए एक महिला टीचर जो है रहबर खेल के वो यहाँ पर बीच में है। देखिए यहाँ पर ये एक महिला है जो कि यहाँ पर बेहोश हुई है। हालांकि पूरा मामला क्या है, प्रदर्शन के दौरान शायद नाराजगी जो है रायबर खेल की जो उम्मीदवार हैं उनकी लगातार एलजी प्रशासन से है कि आपकी उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही, इन्हें क्यों रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, इनका प्रोबेशन पीरियड जो है वो 7 साल से घटाकर 5 साल क्यों नहीं किया जा रहा। यहाँ पर देखिए ये इनका प्रदर्शन इस समय होता हुआ। सर 6 साल पहले 7 साल पहले यही लड़का था ना जिसने गोल्ड मेडल लाया अपने देश के लिए, तब उस वक्त ये माला पे मैं माला लेकर यहाँ से उसका स्वागत करने गए ना, वेलकम करने गए ना, ये वही लड़का है, ये वही गोल्ड मेडलिस्ट है जो यहाँ पे खड़ी है इस वक्त, जो अपने हक के लिए लड़ रही है ना, ये वही गोल्ड मेडलिस्ट है जिसके लिए हम लड़कियाँ ने बड़े बड़े
देखिए पुलिस ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने लाठियां बरसाई। हम कश्मीर से आए हैं, जब हम कश्मीर से आए हैं लाठियां खाने नहीं आए हैं। तो यहाँ पर रैपर खेल के जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं, वो फिलहाल प्रदर्शन नहीं करते हुए, हालांकि पुलिस ने देखिए अब यहाँ पर इस युवक को यहाँ पर गाड़ी में जो है वो डाला गया है। देखिए इस युवक को यहाँ पर गाड़ी में डाला गया है, शायद किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई है पुलिस के साथ। और यहाँ पर देखिए इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जो है वो इसे लेकर अब यहाँ से निकली है। ये देखिए इस एक युवक को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, ये देखिए आप। तो लगातार ये जो प्रदर्शन है ये यहाँ पर चल रहा है, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर जो है वो अपना जो काम है वो कर रही है। देखिए इस युवक को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और पुलिस जो है वो इसे लेकर यहाँ से गई है। और बाकी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका प्रोटेस्ट जो है वो अभी यहाँ पर जारी है। बड़ी संख्या में आज रायबरेली के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। देखिए आप यहाँ पर इस समय प्रदर्शन होता हुआ। पुलिस ने फिलहाल इन्हें यहीं पर रोके रखा है, ये जानते हैं। इसलिए हम आपसे मेहरबानी करके एक रिक्वेस्ट कि हमारा जो डिमांड है जनमन डिमांड उसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए, ताकि आप भी अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बैठे। हमें शौक नहीं रोडों पे आने का, हम कंडम करते हैं इस तरह की जुल्म तशद्दुद को। देखिए पुलिस यहाँ पर अपना काम करती हुई, रैबर खेल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका प्रोटेस्ट यहाँ पर होता हुआ। एहतियातन सभी जो तैयारियाँ हैं, यानी कि पुलिस ने वाहन यहाँ पर पहले ही डिप्लॉय किए हैं, उसके अलावा जो पुलिस कर्मी हैं, जो पुलिस बल है, उनकी भी बड़ी संख्या यहाँ पर है, ताकि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था जो है वो यहाँ पर ना बिगड़ने पाए। लेकिन जो ये अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो यहाँ पर आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आप अभी भी देखिए यहाँ की तस्वीरें, इनका यही आरोप है कि हम टीचर्स हैं, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन पुलिस ने जो है वो हम पर बल प्रयोग किया है। जबकि पुलिस की अगर बात सुने तो उनका ये कहना है कि सड़क मार्ग जो था वो बंद करने की कोशिश की गई, अवरुद्ध करने की कोशिश की गई, आम जनता की परेशानी बन रही थी और इसीलिए इन्हें हटाने के लिए जो है वो थोड़ा धक्कामुक्की हुई है। इस पूरी यहाँ की स्थिति को अगर आप आंकलन करेंगे तो फिलहाल पुलिस ने जो है इन कैंडिडेट्स को जो कि रायपुर खेल के हैं प्रेस क्लब के अंदर ही जो है वो कन्फाइन किया हुआ है, रोके रखा है। जबकि इस जगह पर रायपुर खेल के उम्मीदवारों का प्रदर्शन जो है वो बदस्तूर जारी है और उनका यही कहना है कि एलजी प्रशासन जो है वो उनके साथ बद्दा मजाक कर रहा है और गोल्ड मेडल लाने वाले जो ये स्पोर्ट्समैन हैं ये आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़, नमस्कार।